अगला केस आ रहा है, वेयर कंपनी यूज टू अवॉइड वेलफेयर लेगिस्लेशन। जब कंपनी को वेलफेयर कानून के उल्लंघन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो कंपनी को अलग नहीं माना जाएगा और उन लोगों को लाइबल किया जाएगा जो इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे टू अवॉइड बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड बेनिफिट, उसको अवॉइड करने के लिए यदि कंपनी को इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेटिंग एंटिटी कम टू एन एंड। इसमें केस था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्री लिमिटेड। हुआ क्या था, एक एआरसी लिमिटेड थी, उसने क्या किया अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई, उसको बहुत सारे प्रॉफिट आ रहे थे, ह्यूज प्रॉफिट आ रहे थे, और ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे थे तो क्या देना पड़ रहा था, ज़्यादा बोनस देना पड़ता। तो उन्होंने वही काम किया, एक अपनी सब्सिडरी बनाई और सब्सिडरी को अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची थी उस पर जो प्रॉफिट आया उसके बेस पे बोनस दे दिया। अब वर्कर ने केस डाल दिया कि भैया इन्होंने तो बेईमानी की है, हमारी ये कंपनी बना के अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए और उस कंपनी ने कोई काम भी नहीं किया एक्सेप्ट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ एआरआई लिमिटेड। तो कोर्ट ने कहा द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी वॉज टू अवॉइड द वेलफेयर लेजिस्लेशन, हेंस द इनकम अर्नड बाय सब्सिडरी वुड बी क्लब्ड और एडेड इन टू द इनकम अर्न बाय होल्डिंग कंपनी ए आर आई लिमिटेड एंड देन द बोनस विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। यानी कि सब्सिडरी और होल्डिंग अलग अलग होती हैं लेकिन दोनों के स्टेटस को सिंगल माना गया, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कम टू एन एंड। यानी कि सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी को सिंगल एंटिटी माना गया और सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाए उसको होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड करके फिर टोटल बोनस कंप्यूट किया गया, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी बनाने का मकसद ही क्या था, टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन, वेलफेयर कानून का उल्लंघन। वैसे तो सब्सिडरी कंपनी अलग होती है, होल्डिंग कंपनी अलग होती है, पर लॉ ने बोनस कंप्यूट करने के लिए दोनों को एक ही माना और दोनों के टोटल प्रॉफिट के आधार पर बोनस कंप्यूट किया गया। पढ़िए।